सो फ्रेंड्स, फिशर एम का और एक प्रोडक्ट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफिंग कर दूँ इसके बारे में। ये स्पेशली बना है ड्रम्स के लिए, और इसलिए इसको कह भी रहे फिशर एम ड्रम इन ईयर एम। इसका पहले टेक्निकल मैं थोड़ा सा स्पेक्स आपको बता दूँ कि इसकी इनपुट सेंसिटिविटी जो है वो 0 dB टू प्लस 10 dB फॉर 1 and 2 इनपुट, क्योंकि इसमें चार इनपुट्स है, तो 1 and 2 के लिए है। देन इनपुट सेंसिटिविटी -10 dB टू +3 dB फॉर इनपुट 3 and 4। तो ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इसका टेक्निकल स्पेक्स था। इसमें रिकमेंडेड ईयर प्लग जो है वो 16 ohms के है, 16 ohms के अबव चलेंगे, जो इससे कम नहीं होने चाहिए। तो और एक शॉर्ट ब्रीफिंग मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ इसके लिए कि ये यूज़ करो, क्योंकि ये यूज़ करने के बाद ड्रमर तो कंफर्टेबल होंगे, कुछ ड्रमर्स नहीं भी होते वो अलग चीज़ है, बट ये करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अदरवाइज आपको ड्रमर के लिए मिनिमम एक सब और एक टॉप यूज़ करना पड़ता है, मिनिमम एक सब एक टॉप, उसके लिए कम से कम क्रॉस ओवर होने की ज़रूरत पड़ती है, और एक कम से कम पावर है। इस चीज़ को पूरे कैलकुलेट करोगे आप, सो मिनिमम रेंज का भी होगा तब भी 1 lakh rupees उसकी प्राइस होगी, और ये यूनिट आ जाता है कंप्लीट अराउंड 55 to 60 thousand में। सो प्राइस इज नॉट अ मैटर, प्राइस की कोई बात नहीं है, बात ये है कि ड्रमर के लिए जो आप उसके मोटर्स रखते हो सबवूफर और टॉप, वो जो साउंड आती है मोटर्स में, मतलब ड्रमर को सुनने के लिए, फाइनली वो जाएगी तो ड्रम के माइक में। तो एज अ साउंड इंजीनियर आप कौन सा साउंड कैप्चर करना चाहोगे, लीकेज या एक्चुअली ड्रम के लिए, टॉम के लिए अगर मैंने कोई माइक प्रेस किया है तो आई नीड ओनली टॉम साउंड, उसमें मुझे टॉम का ही साउंड चाहिए और कोई साउंड नहीं चाहिए। लेकिन इस वजह से आपको वो अदर साउंड भी आपको लेने पड़ते हैं, और उस वजह से आपका पीए उतना क्लीन नहीं हो सकता है, बट इसकी वजह से आपका पीए बहुत ही क्लीन हो सकता है। मैंने यूज़ किया काफ़ी सारे, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली चीज़ क्या है। तो ये है फिशर एम ड्रम इनियर एम्प। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली डिटेल्स बता देता हूँ। सो ये जो है, सबसे पहले ऊपर जो है इसका पावर का सॉकेट है, जिसमें ये आपका पावर केबल इंसर्ट होगा, उसी के बाजू में इसका ऑन ऑफ स्विच है, फिर ये लेफ्ट एंड राइट इनपुट है, मतलब 1 and 2, तो स्टीरियो करने तो लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा, अदरवाइज 1 and 2, और ये 3 and 4। सो चार इनपुट इसलिए है कि अगर मैं स्टीरियो मॉनिटरिंग ले रहा हूँ तो मेरा स्टीरियो इनपुट इधर हो जाएगा, इसके अलावा मुझे कोई मेरे ट्रैक्स प्लेबैक करने हैं और जो मुझे सुनने हैं, या क्लिक मुझे लेना है जो मुझे IEM में ही चाहिए से, तो मैं ये डायरेक्ट इधर यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। और एक ये जो सॉकेट है इसके बारे में बता दूँ कि ये यूनिट इस यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा है बास शेकर 4 ohms। तो ये यूनिट के बारे में आता हूँ मैं आपके पास, तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा। और एक सॉकेट यहाँ पे ऐसा है कि एक्सटर्नल क्रॉसओवर यूज़ करके आप पर्टिकुलर लो फ्रिक्वेंसी आप क्रॉसओवर पॉइंट्स लेके उसको आप शेकर में ले सकते हो, उसमें आप प्रॉपरली असाइन कर सकते हो, लेकिन इन दैट केस ये चारों डिसेबल हो जाएगी। सो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, मतलब हमारे लाइव में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब दैट डिपेंड्स, कोई यूज़ करता भी होगा, बट उसका मैंने एप्लीकेशन बता दिया। अब आते हैं फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल में ये आपका जो है चैनल 1 and 2, मतलब लेफ्ट एंड राइट का ये लेवल है, ये मास्टर लेवल है, दिस इज मास्टर लेवल, और ये 1 and 2 का लेवल है, ये अगेन लेफ्ट राइट पैन, ये 3-4 का लेवल है, अगेन लेफ्ट राइट पैन, और ये जो पर्टिकुलरली है ये 40 Hz to 200 Hz तक का फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन है आपके पास। आप सोचोगे अभी ये फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये यूनिट पे आता हूँ आपके, और उसका लेवल जो है वो ये सेट करेगा उस फ्रिक्वेंसी में। पर्टिकुलरली अगर मैंने अभी राइट नाउ अगर मेरा 100 Hz पे मेरा मैंने सेट किया हुआ, तो वो इसका वाइब्रेशन मुझे कितना चाहिए उसका लेवल मैं यहाँ से सेट करूँगा,
और ये आपका हेडफोन साउंड है, उसके लिए अगर आप डायरेक्ट हेडफोन्स यूज़ कर सकते हो तो कर लीजिए, या अगर छोटा ईयर प्लग्स यूज़ करना है तो एक्सटेंशन आपको यूज़ करना पड़ेगा और इस तरह से आप इसको इंसर्ट करके यूज़ करते हैं। और एक चीज़ इसमें है, जैसे वन एंड टू क्योंकि ये स्टीरियो है, लेकिन अगर आपने एक ही इनपुट किया हुआ है और आपको एक ही ईयर प्लग में सुनाई देगा, अगर ये स्टीरियो मोड पे है तो इसको आप यहाँ से इसको इंसर्ट करोगे, इट्स बिकम अ मोनो मोड। सेम थिंग 3-4 के लिए भी, 3-4 में भी अगर आप इसको इंसर्ट करोगे सो इट्स बिकम अ मोनो मोड, और इसको एग्जिट करोगे तो इट्स बिकम अ स्टीरियो मोड। और यहाँ पे आपका सिग्नल भी दिखाई देगा, इसको एक्चुअल पैच करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली किस तरह से ये काम करता है। और आप देख रहे हो इधर एक रॉड दिख रहा है, तो ये रॉड भी कुछ वजह से ही रखा हुआ है, तो उसकी वजह ये है पर्टिकुलरली, ये जो स्टैंड है, क्लैंप है, ये क्लैंप हाई हैट के स्टैंड में लगता है आपके, लाइक हैट मेरा इस तरह से है, ये हैट के स्टैंड में मैंने लगा दिया और ये इसमें इंसर्ट करके थोड़ा लूज करके मैं पूरा अंदर चला जाएगा, एंड देन यू कैन टाइट, बहुत लूज करना, इस तरह से पूरा अंदर चला जाएगा, फिर इसको अच्छे से आप टाइट कर दो। ये टाइट होने के बाद ये हार्ट के स्टैंड में ऐसे लगेगा, ये बैक पैनल से आपका पावर सप्लाई जाएगा, और ये ईयर प्लग सॉकेट जो है यहाँ से आपका ईयर प्लग डायरेक्ट ड्रमर जब बैठेगा तो उसके हाइट पे आएगा, वो अपने हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकता है। इसको मैं फिर आपको प्लग इन करके दिखा दो हाउ इट साउंड। ये है इसका पास पंप, ये बास पंप है और इसमें ये क्वार्टर इंच है मोनो, दिस इज अ स्पीकर केबल, ये देखिए आप यहाँ से ये स्पीकर केबल यहाँ कनेक्ट हुई है और ये इसी के इस कनेक्शन में कनेक्ट होगा इनटू फोर, अब देखिए इसमें कनेक्ट होगा ये क्वार्टर इंच, और ये जो है पर्टिकुलरली ये सेटअप आप देख रहे हो, इसको जैसे मैं लूज करूँगा जितना लूज चाहिए उतना लूज कर लो, और ये ड्रम स्टूल जो होता है इसको हम बाकायदा आपको फिक्स करके दिखाएंगे, तो ड्रम स्टूल में ये फिक्स होगा और ये केबल ओपन होके ये मैं इसमें फिक्स करूंगा लाइक दिस। अब आप ये सोचोगे कि ये तो आपने ऊपर से डाल दिया, हैड भी ऊपर से, तो हैड फिक्स होती है तो हम कैसे फिक्स करें, तो ये इस तरह से ओपन भी होता है, तो इसको इस तरह से ओपन करके आप उसमें डाल सकते हो, देन इसको अच्छे से फिक्स करिए, ये फिक्स हो गया। फिक्स करते वक्त एक चीज ध्यान रहे कि ये जो रॉड है वो आपकी लेफ्ट साइड आ जाए, क्यों कि अभी हार्डवेयर एम्पलीफायर फिशर एम का जो मैं इसमें फिक्स करने जा रहा हूं वो इस तरह से फिक्स होगा, क्यों इसका रॉड इसके रॉड के अंदर चला जाएगा और ये मेरी फ्रंट पोजीशन मेरे पास आ जाएगी और ये रेयर पोजीशन उधर चली जाएगी, सो इन दैट केस ये मुझे इसमें फिक्स करना है और इसको टाइट करना है, बहुत अच्छे से टाइट करना है क्योंकि ड्रमर कंटिन्यूस हाइट्स यूज़ करते रहते हैं तो उस वाइब्रेशन से फिर ये कहीं लूज़ हो जाए, अभी मैं जस्ट टेम्पररी कर रहा हूँ तो अच्छे से फिक्स करना चाहिए। उसके बाद में आपका है पावर पॉइंट, सो मैंने पावर पॉइंट यहाँ से ले लिया है, ये पावर पॉइंट यहाँ पर यूज़ करके इट्स ऑन। इसके बाद में ये आपका यूनिट ऑन है, अभी ये जो शेकर है जिससे वाइब्रेशन फील होगा वो मेरे पास एक ड्रमर का ड्रम स्टूल है, तो इसमें कैसे किस तरह से फिक्स किया जाएगा, तो ये टॉप है जो उसको आप नीचे से उसका की होता है उसको लूज करके उठा लीजिए और
उसके बाद में इसको भी इसी तरह से इसके अंदर डाल दीजिए, या ये भी क्लैंप ओपन होता है, आप चाहो तो ओपन करके भी डाल सकते हो। इसके बाद में ये जो क्वार्टर इंच है ये जो फिशर एम्प है ड्रम के लिए, उसके पर्टिकुलरली इसी इनपुट पे जाएगी जहां पे लिखा हुआ है 4 ओम्स। उसके बाद ये आपका ड्रम सेट का टॉप रख दीजिए, रख के उसको फिक्स करिए, ये भी मैंने फिक्स कर दिया है। अब यहां से कंसोल से मैंने 2 ऑक्सिलरी आउट, मिक्स आउट, बस आउट, व्हाटएवर जो आप कह सकते हो, ये मैं इनपुट करूंगा इसमें। इनपुट 1 एंड इनपुट 2, ये ईयर प्लग में इसके सामने ही है। इनपुट कर दिया मैंने, अब मुझे सिग्नल देखना है, मुझे प्लेबैक मेरा ऑफ है। यस, आप देख सकते हो यहां पे सिग्नल क्लिक कर रहा है। अब इसमें मुझे वाइब्रेशन फील करना है, सो अब मैं इसको फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा हूँ, इट्स अराउंड 100 हर्ट्ज, और इस वाइब्रेशन का लेवल मैं अभी उसका सेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स बिलीव मी, बहुत अच्छा फील मिल रहा है, मैं ईयर प्लग से टॉप एंड सुन सक रहा हूँ और लोअर एंड मुझे इसमें से वाइब्रेशन से फील होता है। अब आप सोचेंगे कि आपकी वीडियो में आपको मैं वाइब्रेशन का फील कैसे दिखाऊँ, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, आई एक्सपेरिमेंट है। सो जैसे मैंने कहा, एक पानी का पेपर ग्लास मैंने इस पर रखा है, पेपर ग्लास इसलिए पर्टिकुलरली रखा है ताकि पेपर ग्लास का वेट कम होता है, सिर्फ पानी का ही वेट रहेगा। और अब मैं जो ट्रैक सुन रहा था उस ट्रैक को फिर से ऑन कर रहा हूं, पानी देखिए कैसे वाइब्रेट कर रहा है, इवन स्कूल भी उसके साथ में कुछ है। टूल भी शिफ्ट हो रहा है उसके साथ में। अब जैसे वाइब्रेशन कम हो गए,